यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं कि सर किस तरीके से हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हमारा रहने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज़ कि अभी आप अपना जो फॉर्म है वो आप अपना फिल कर लो, और जो कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं, क्योंकि 20 से फॉर्म स्टार्ट है, तो 20 के बाद जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं फॉर्म भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्या होंगी, फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आपका आएगा पीटी की कट ऑफ के बारे में। आप सभी के जो मार्क्स आए होंगे उसके बेस पे एक जो कट ऑफ है वो आपकी तैयार करी जाएगी, और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं पास आउट होंगे, जितने भी कैंडिडेट जो उस कट ऑफ के ऊपर पास होंगे, क्लियर करेंगे, वो फाइनली बैठेंगे वन टीयर एग्जामिनेशन में। वन टीयर एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ एक ही पाली में परीक्षा होगी, कोई दूसरी पाली में नहीं है, और यही जो परीक्षा है वो हमारी फाइनल जो परीक्षा है वो हमारी रहने वाली है। तो इसके जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं आपका इस जो वन टीयर एग्जामिनेशन में बैठेंगे, वही फाइनली फाइनल रिजल्ट के लिए कहीं ना कहीं आप सभी के लिए पास होंगे फेल होंगे, उसी के बेस पे ही आप सभी का रहने वाला है। ठीक है, अब ये जो वन टीयर एग्जामिनेशन है ये हमारा किस तरीके से आप सभी का रहेगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे पुटअप किए जाएंगे, 2 घंटे का जो हमारे पास समय है, 2 आवर्स का समय है, वो हमारे पास रखा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि किस किस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आप सभी के पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जो ऑडिट जिनका, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप अकाउंटेंट में हो तो आपको ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस और अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे आएंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला, ठीक है, स्टेप है। दूसरा हमारा पूछा जाएगा कि जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड फंडामेंटल्स आपके आते हैं, ठीक, फंडामेंटल्स आपके आते हैं वो आपके पूछे जाएंगे। जो भी आपका बैंक जो आपको अकाउंट्स प्रिलिमिनरी बुक होती है डिस्क्रिप्शन के बारे में, उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तीसरा आपका टॉपिक आएगा डबल अकाउंटिंग का, जो टॉपिक है वो आपका आएगा डबल अकाउंटिंग का टॉपिक जो है वो आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चौथा जो टॉपिक आएगा वो आपका RTGS का जो टॉपिक है वो हमारा पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपका एडवांस अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, फिर आपके टैक्सेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमारे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल ये जो 6 स्टेप में जो हमारा एक पेपर है वो हमारा रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लो, ये 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, 10 इसके आएंगे, 15 इसके आएंगे, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, 10 इसके आएंगे, 10 इसके आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा आपका अलग से आने वाला है, और ये जो हमारा है ये पूरा कवर किस में होगा, हमारा Part 1 में जो हमारा है ये हमारा पूरा कवर रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम मार्क्स करें तो पर क्वेश्चन जो होता है वो आपका 1 मार्क्स का है, मतलब ये जो 10 क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स के, ये भी 10, 15, 10, 10, 10, ठीक है, इस तरीके से आप कहेंगे। और ये जो पूरा आपका पेपर रहेगा ये आपके कितने मार्क्स का रहेगा, 65 मार्क्स का जो पूरा पेपर है ये हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो 65 मार्क्स का पूरा पेपर है, और इसके बाद फिर हमारा आएगा Part 2 आएगा। अब Part 2 के बारे में देख सकते हैं, तो Part 2 जो है वो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हमारे पूछे जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी कंप्यूटर में आपको अलग अलग चीज़ें जैसे नेट में क्या क्या चीज़ें रहती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आपका जो GK आएगा वो UP स्टेट का आएगा, अदर स्टेट का नहीं आने वाला है। तो ध्यान में रखना कि सिलेबस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, ये 15 नंबर का है कि 20 नंबर का, तो ये दोनों जो होते हैं 35 नंबर के, और 65 Part 1 35 Part 2 टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का आपका रहेगा। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप सभी के रहने वाली है, जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हो असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम के लिए। बाकी से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर करना बिल्कुल भी मत भूलें।